हेलो एवरीवन मैं हूं प्रिया खंडलवाल वेलकम बैक टू माय चैनल बारिश और गर्मा गर्म कौन मिल जाए क्या बात है चलिए आज बनाते हैं तंदूरी कॉर्न ये एकदम डिफरेंट रेसिपी है आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसे स्ट्रीट स्टाइल सिर्फ घर में बना सकते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं मैं सबसे पहले कॉर्न ले लूँगी जिसको मैंने उबाल के रखा है मैं यहाँ स्वीट कॉर्न का यूज़ कर रही हूँ आप चाहें तो देसी भुट्टा भी यूज़ कर सकते हैं एक बोल में हम लेंगे दही जिसे मैंने बांध के रख दिया था इसमें हम डालेंगे आधे छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर आधे छोटे चम्मच जीरा पाउडर यहाँ आप भुने हुए जीरे का पाउडर यूज़ करें अब इसमें आप डालें धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच और हम लेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर आधे छोटी चम्मच चाट मसाला ले लें आप इससे भुट्टे का टेस्ट जो है वो बहुत एनहांस हो जाएगा अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट एक बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लें थोड़ी सी कसूरी मेथी कसूरी मेथी को हमने हाथ से क्रश करा है और धनिया की पत्तियाँ अब इस स्टेज में आप आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करें और नमक डालें स्वाद अनुसार अब मैं डालूंगी दो बड़े चम्मच सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल जब भी आप तंदूरी कॉर्न या पनीर टिक्का बनाएं हमेशा सरसों का तेल का यूज करें ये बहुत स्ट्रांग फ्लेवर देता है और इससे जो आपकी मैरिनेशन होगा कॉर्न का ये बहुत अच्छे से हो पाएगा इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नींबू का रस और अच्छे से मिला लें आप देखेंगे जो इसका कलर है वो हल्का सा पीला आया है मैं इसमें थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड करके इसे मिक्स करूँगी ये कंप्लीटली ऑप्शनल है आप चाहें तो फूड कलर स्किप कर सकते हैं बट क्योंकि हम मार्केट स्टाइल कॉर्न बना रहे हैं इसलिए ज़रा सा फूड कलर आप डाल दें इसमें अब इसमें हम डालेंगे एक चौथाई कप बेसन और अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन से आप बहुत इजीली इसे कोट कर पाएंगे और इसकी जो लेयर है बाहर की वो एकदम क्रिस्पी हो पाएगी अब कॉर्न ले लें ये दही की जो पेस्ट बनाई है हमने इसे आप दो भुट्टे को आराम से कवर कर सकते हैं अब एक चम्मच की मदद से या फिर हाथों से इसे अच्छे से लगाएं ध्यान रखें हमें भुट्टे को पूरी तरह से कवर करना है इसे लगाने के बाद हम पाँच से दस मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे ताकि जितने भी फ्लेवर्स है वो अंदर तक एब्जॉर्ब हो सके मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगी इसे सेकने के लिए आप चाहें तो इसे गैस पर सेक सकते हैं मीडियम फ्लेम पर इसे रख दें और जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो जाए इसे सेकें या फिर आप चाहें तो ऐसे कोयले पर सेक सकते हैं इससे फ्लेवर और अच्छा आएगा जब ये सीख जाए इसमें हम डालेंगे नींबू का रस और थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर अच्छे से कोट कर लें आप इस तंदूरी कॉर्न को गर्मा गर्म सर्व करें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें कमेंट करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मैं फिर लौटूंगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए स्टे सेफ़ एंड स्टे हेल्दी